भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम ने महिला प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। उसने मंगलवार 27 फरवरी को टूर्नामेंट के पांचवें मैच में गुजरात जायंट्स को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने अपने पहले मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को हराया था। दूसरी ओर गुजरात को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले उसे मुंबई इंडियंस ने शिकस्त दी थी। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में आरसीबी और गुजरात के बीच ये तीसरा मुकाबला था। अब तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी थीं। गुजरात ने पिछले सीजन आरसीबी को हराया था और उसके बाद उसे हार का सामना भी करना पड़ा था। अब स्मृति मंधाना की टीम ने बढ़त हासिल कर ली है। उसे लगातार दूसरी बार गुजरात को शिकस्त दी है। आरसीबी ने 12.3 ओवर में ही मैच को जीत लिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 107 रन बनाए। आरसीबी ने 12.3 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मंधाना ने बनाए सबसे ज्यादा रन। आरसीबी के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 27 चौके लगाए। मंधाना की पारी में एक छक्का भी शामिल है। सबिनेनी मेघना 28 गेंद पर 36 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। एलिस पेरी ने 14 गेंद पर नाबाद 23 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके जड़े। सोफी डिवाइन 6 रन बनाकर आउट हुई। एशले गार्डनर और तनुजा कंवर को 1-1 सफलता मिली। गेंदबाजी में मोलिनेक्स ने किया कमाल। इससे पहले गुजरात के लिए दयालन हेमलता ने सबसे ज्यादा नाबाद 31 रन बनाए। हरलीन देओल ने 22 और स्नेह राणा ने 12 रन बनाए। इन तीनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। वेदा कृष्णमूर्ति 9, कप्तान बेथ मूनी 8, एशले गार्डनर 7, फीबी लिचफील्ड 5 और कैथरीन ब्रायरस 3 रन बनाकर आउट हुई। तनुजा कंवर ने नाबाद 4 रन बनाए। आरसीबी के लिए सोफी मोलिनेक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। रेणुका सिंह ठाकुर को 2 सफलता मिली। जॉर्जिया वेयरहम ने 1 विकेट लिया। अंक तालिका में शीर्ष पर आरसीबी। इस जीत के साथ ही आरसीबी के 2 मैच में 4 अंक हो गए। उसने 45 गेंद शेष रहते ही मैच को जीत लिया। इससे उसका नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया है। आरसीबी की टीम अब शीर्ष पर पहुंच गई है। उसका नेट रन रेट जोड़ 1.665 है। उसने मुंबई दूसरे और दिल्ली कैपिटल्स तीसरे दोनों को पीछे छोड़ दिया। यूपी वॉरियर्स और गुजरात को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। यूपी चौथे और गुजरात पांचवें स्थान पर है।